गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अपने सिलेबस की बात कर ली थी, 1 से 8 चैप्टर तक आपको क्या करना है। आज जो हमारा लास्ट कंटिन्यू चल रहा था, जो हमारा पार्ट इसमें 7.2, उस चैप्टर को करेंगे अवकलन में। क्या करते थे, इसमें वैल्यू पुट करते थे। जैसे दिया है टेन इनवर्स ए प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस ए एक्स, इसके 5 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर तक कर लिए थे। अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं, माना सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो माना वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस ए एक्स अपॉन में 1 माइनस ए एक्स, इसको किसके इक्वल मान लिया, वाई के इक्वल। अब यहां पर ए को मान लेते हैं, माना ए इक्वल टेन थीटा, क्या मान लिया इसको, टेन थीटा। और एक्स को क्या मान लिया, टेन अल्फा। और एक्स को हमने क्या मान लिया, टेन अल्फा। तो देखो यहां पर रखने पर ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो y इक्वल टेन इनवर्स टेन थीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन अल्फा। ये हमने वैल्यू क्यों पुट की है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टेन इनवर्स है और यहाँ टेन लेके आना होता है, और टेन इनवर्स टेन एक्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, यहाँ से x की। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी किया था और इसमें भी समझा था। तो देखो यहाँ पर अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर अगर बात करें, क्योंकि tan a प्लस बी इक्वल क्या होता है, इसका फॉर्मूला tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, tan a प्लस b का। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल tan इनवर्स tan a tan b 1 माइनस tan a tan b। a की जगह वैल्यू आपको क्या दी है, भी थीटा दी है, और b की जगह भी आपको वैल्यू क्या दी है, अल्फा। तो यहां पर tan a प्लस बी, तो tan a की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, थीटा, प्लस b की वैल्यू क्या होगी, अल्फा। तो क्या आ गया भाई यहां से हमारे पास, tan थीटा प्लस अल्फा, tan थीटा प्लस अल्फा। अब देखो यहां पर आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी, tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x किसके इक्वल होता है, x के। तो y इक्वल यहां से क्या आ गया, थीटा प्लस अल्फा। y इक्वल क्या आ गया, थीटा प्लस अल्फा। अब हम थीटा और अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे यहां से, थीटा की यहां से वैल्यू पुट करेंगे और अल्फा की यहां से। तो थीटा और अल्फा की वैल्यू पुट करने पर थीटा व अल्फा की मान रखने पर, थीटा व अल्फा की मान रखने पर, तो y इक्वल थीटा की वैल्यू देखो भी यहां से क्या आएगी हमारे पास, दोनों तरफ क्या लेंगे, टेन इनवर्स लेंगे, दोनों तरफ टेन इनवर्स लेंगे। तो यहां से टेन इनवर्स a इक्वल में टेन इनवर्स टेन थीटा। अब ये टेन इनवर्स टेन x क्या हो गया, x। तो टेन इनवर्स a इक्वल में क्या आ गया यहां से, थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स a, टेन इनवर्स a। अल्फा की वैल्यू इसी प्रकार से ज्ञात करोगे तो क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स x। अब इसका क्या कर दोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो स्टूडेंट्स, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन में dx इक्वल में देखो भी यहां पर इसका अवकलन करें, यहां पहले इसको लिख लेते हैं, dy ओवर dx tan इनवर्स a
प्लस डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो यहां से टेन इनवर्स एक्स, आपके फॉर्मूला याद होगा डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल में क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये लिखवाए हुए हैं। तो यहां से x की जगह पे क्या दिया है a दिया है, तो इसका क्या आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर डी ओवर डी एक्स, वापिस अवकलन यहां पर किसका होगा a का, डी वाई ओवर डी एक्स यहां इंटू में क्या आ गया a, प्लस डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स x, तो क्या आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर इसका अवकलन करेंगे, ए क्या है यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है अचर पद है, तो डी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाए अचर पद का अवकलन कितना होता है जीरो, तो क्या आ गया वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर इंटू जीरो प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा क्या हो गया जीरो, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाए देखो दोबारा से, हमने इसको y के इक्वल मान लिया, y के इक्वल क्या मान लिया tan इनवर्स a प्लस x अपॉन में वन माइनस ए एक्स। अब यहां पर tan इनवर्स है तो आपको पता है यहां क्या लेके आएंगे tan लेके आएंगे, क्योंकि tan इनवर्स tan x क्या होता है इक्वल में x, तो a की वैल्यू पुट की a इक्वल क्या मान लिया tan थीटा, x इक्वल क्या मान लिया tan अल्फा, तो tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन में वन माइनस tan थीटा tan अल्फा, ये किसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी, tan a यहां फॉर्मूला लिखाया था tan a प्लस बी इक्वल में tan a प्लस tan b अपॉन में वन माइनस tan a tan b, वन माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूले याद भी करवाए थे, ट्रिक बताई थी किस प्रकार से याद रखने हैं, साइन कोस के किस प्रकार से याद रखने हैं, टेन कोट के किस प्रकार से याद रखने, ठीक है। अब यहां पर ये टेन इनवर्स टेन एक्स क्या हो गया एक्स, ठीक है, उसके बाद क्या करना है इनकी वैल्यू पुट करनी है और अवकलन करना है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, सिक्स का बी, सिक्स्थ के बी पार्ट में क्या दिया है टेन इनवर्स टू की पावर एक्स प्लस वन, टू की पावर एक्स प्लस वन अपॉन मी वन माइनस फोर की पावर एक्स, यही दिया है वन माइनस फोर की पावर एक्स। तो मान लेते हैं, माना y इक्वल tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस वन, 2 की पावर x प्लस वन ये ऊपर है पावर में भी, 2 की पावर x प्लस वन अपॉन में वन माइनस फोर की पावर x अपॉन में वन माइनस फोर की पावर x। तो यहां से y इक्वल tan इनवर्स इसको ले सकते हैं 2 की पावर x इंटू टू की पावर 1, a की पावर x इंटू a की पावर y, तो पावर क्या होती है जुड़ जाती है, यही चीज बनेगी 2 की पावर x प्लस 1, और इसको ले सकते हैं 1 माइनस 2 की पावर 2 और इसकी पावर ऊपर में x, 2 की पावर 2 पावर x। तो यहां से y इक्वल tan इनवर्स 2 की पावर x इंटू टू अपॉन में 1 माइनस इसको ले सकते हैं 2 की पावर x और इसकी पावर 2 लिख सकते हैं, ये 2 की पावर x की पावर 2, ठीक है जी। अब यहां पर 2 की पावर x को हम कुछ मान लेते हैं, 2 की पावर x को कुछ मान लेते हैं,
क्योंकि यहां से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर 2 की पावर x को यहां tan इनवर्स है तो आपको पता है tan लेके आना पड़ेगा। सीधी सी बात है, कुछ भी वैल्यू रखें, लेके यहां पर आपको क्या आना पड़ेगा, tan लेके आना पड़ेगा, फिर ही tan इनवर्स tan x कैंसिल होगा। तो देखो यहां पर अगर हम 2 की पावर x को tan थीटा के इक्वल मान लें, 2 की पावर x को क्या मान लें, tan थीटा के इक्वल, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद आया इससे, किसका फॉर्मूला बनेगा अभी हमारे पास यहां से, tan 2 थीटा का, किसका फॉर्मूला बनेगा, tan 2 थीटा। तो देखो यहां पर y इक्वल tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस, ये तो tan थीटा है ऊपर स्केयर है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्केयर थीटा, 1 माइनस tan स्केयर थीटा। अब यहां से चूंकि tan 2 थीटा इक्वल 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्केयर थीटा, tan 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल यहां से क्या आ गया हमारे पास, tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan इनवर्स tan x, x के इक्वल, तो y इक्वल यहां से क्या आ गया हमारे पास 2 थीटा, y इक्वल क्या आ गया 2 थीटा। इसके बाद क्या करते थे, थीटा की वैल्यू रखते थे, इसके बाद हम क्या करते थे, यहां से थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, देखो भी ये क्वेश्चन जो भी आपको करवाए जा रहे हैं, साथ साथ अच्छे अच्छे नोट्स बनाओगे, कॉपी में अच्छा अच्छा सुंदर लिखोगे, तभी ये वर्क आपका साथ में कंप्लीट होगा, ठीक है जी। साथ साथ जितना करवाया जाता है उसको रिवाइज करोगे और साथ साथ उसी के करोगे, फिर जो आपके डाउट होते हैं वो अपने क्लियर करोगे मैसेज करके या कैसे, ठीक है। तो आप अपने डाउट भी साथ साथ क्लियर करते रहो। तो देखो यहां पर थीटा का मान रखने पर, ठीक है, थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स लेते हैं दोनों तरफ, टेन इनवर्स 2 की पावर x इक्वल में टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स 2 की पावर x। ये दिखाना नहीं है, ये सिर्फ रफ कॉपी में कर सकते हो या यहां से कर सकते हो, थीटा इक्वल टेन इनवर्स 2 की पावर x, थीटा इक्वल टेन इनवर्स 2 की पावर x, रख दो यहां पर वैल्यू, y इक्वल 2 टेन इनवर्स 2 की पावर x, 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। अब क्या करना है, अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy ओवर dx, d ओवर dx 2 tan इनवर्स 2 की पावर x, 2 यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है, अचर वैल्यू है, इसको आगे ले जाते हैं तो 2 आगे आगे। अब d ओवर dx अवकलन होगा tan इनवर्स x का, अवकलन किसका होगा, tan इनवर्स x का, तो d ओवर dx tan इनवर्स x इक्वल क्या होता है हमारा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके याद है अच्छे से, क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर एक्स और इसकी स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स माने इसका वापिस अवकलन होगा 2 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स इसका वापिस करेंगे तो यहां पर क्या बन रहा है, a की पावर x, तो d ओवर डी एक्स ए की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a, a की पावर x log a, यही होता है इसका अवकलन। तो
तो देखो भी यहां से हमारे पास क्या आ गया, 2 अपॉन में 1 प्लस, यहां पर 2 की पावर x की होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 की पावर x, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 कितनी होगी, 4, 4 की पावर x इंटू a की पावर x का क्या हो गया, a की पावर x लोगे तो 2 की पावर x log 2, तो क्या हो गया ये इसका अवकलन, dy ओवर dx, 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, 2 की पावर x log 2। आगे और भी इसको सोल्व कर सकते हैं अगर करना है तो, क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर x है, इसको जोड़ सकते हैं dy ओवर dx 2 की पावर x प्लस 1 इंटू log 2 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x। देखो भी दोबारा से इस क्वेश्चन को वापिस, tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस 4 की पावर x, ये आपको दिया हुआ था। अब आपने यहां पर tan इनवर्स है, यहां पता ही है क्या लेके आना होता है, tan, तो 2 की पावर x इंटू 2, इसको इस प्रकार से डिवाइड कर लिया, 4 की पावर x का भी समझ आ गया, इसको लिख लिया 2 की पावर 2 की पावर x, x यहां पर ले आई 2, इसको यहां पे ले गए, ठीक है, 2 की पावर x को क्या मान लिया, tan थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, tan इनवर्स tan x, x आ गया, यहां से थीटा की वैल्यू पुट करो और इसका अवकलन कर दो, ठीक है जी। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, साइन देखो सातवें के ए पार्ट में क्या दिया है हमें, साइन 2 टेन इनवर्स, मैं साइन या यहां से ही वाई के इक्वल मान लेते, चलो बाद में मान ले सॉल्यूशन, साइन 2 टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, y इक्वल साइन साइन 2 टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। देखो यहां पर पहले इस ब्रैकेट वाली संख्या को देखो, ब्रैकेट में क्या दिया है, ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे पहले, यहां पर टेन इनवर्स दिया है तो आपको पता है भी यहां x की ऐसी वैल्यू रखें कि यहां पर हमारे पास फिर tan आई, समझ गए ये चीज भी, यहां से हमारे पास चेंज होके क्या आई, tan आई, ठीक है। तो क्या करते हैं यहां पर x इक्वल, हम x इक्वल cos थीटा रखने पर, देखो cos थीटा क्यों रखा है, क्योंकि 1 माइनस cos थीटा बनेगा, यहां 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, आपको ये फॉर्मूला करवाया था 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन बटे कोस टेन बन गया, अपने आप टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, समझिए ये जी। तो y इक्वल साइन 2 टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। फॉर्मूले करवाई हुई हैं, अगर आपको याद हो बताया भी था किस प्रकार से बनते हैं ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपको पता ही होगा भी 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है, यहाँ पर क्या आ गया कोस थीटा आ गया सिर्फ, तो यहाँ पर इसमें अपॉन में 2, तो यहाँ भी क्या आ जाता है अपॉन में 2, बन गया फॉर्मूला हमारा। ये फॉर्मूला कहाँ से बना था, कोस 2 थीटा इक्वल में 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
इसकी बात करें तो ये भी यहां से बना था, इसमें कोस टू थीटा इक्वल टू कोस केयर थीटा माइनस वन, ठीक है जी, ये आपको पता। चलो आओ वापिस यहाँ क्वेश्चन पे। ये चीजें हमारी की हुई है वैसे तो पहले भी, और ये हमने सेकंड चैप्टर में भी किया था और इस सेवंथ चैप्टर में भी किया था, ये दो तीन बार आ चुका है ये फॉर्मूला। तो इससे अच्छा इसको एक बार में याद कर लो, डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद रखो। तो वाई इक्वल साइन टू टेन इनवर्स वन माइनस कोस थीटा, तो टू साइन स्केयर थीटा बाई टू अपॉन में वन प्लस कोस थीटा टू कोस स्केयर थीटा बाई टू, टू से टू कैंसल, साइन अपॉन में कोस टेन स्केयर है तो स्केयर, तो वाई इक्वल साइन टू टेन इनवर्स, यहां से क्या आ गया साइन स्केयर थीटा अपॉन में टू कोस स्केयर थीटा अपॉन में टू, क्या आ गया टेन स्केयर थीटा बाई टू, टेन स्केयर थीटा बाई टू, टेन स्केयर थीटा बाई टू रूट में है, रूट से बाहर क्या आ जाएगा, तो वाई इक्वल साइन टू टेन इनवर्स, रूट से बाहर निकालेंगे तो यहां से आ गया टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू, ठीक है जी। अब देखो स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स किसके इक्वल होता है एक्स के, तो यहां से क्या आ गया वाई इक्वल साइन टू टेन, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स हो गया तो टू थीटा बाई टू, यही आ गई एक्स की वैल्यू थीटा बाई टू, और टू से टू क्या कर देते हैं कैंसल, तो वाई इक्वल क्या आ गया यहां से साइन थीटा, वाई इक्वल क्या आ गया यहां से साइन थीटा, थीटा की क्या रखेंगे वैल्यू कहां से, यहां से थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी कोस इनवर्स एक्स, क्या आएगी कोस इनवर्स एक्स, दोनों तरफ क्या लेंगे कोस इनवर्स, ठीक है, तो वाई इक्वल साइन कोस इनवर्स एक्स, क्या आ गया वाई इक्वल साइन, यहां लिख दोगे भी थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान पुट किया यहां पर, तो साइन कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और साइन में क्या संबंध होता है आपके ये डायरेक्ट याद ही होगा, सिंपल सी बात है ये दो, तो वाई इक्वल साइन क्या होता है यहां पर साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन है तो यहां भी क्या लेके आना पड़ेगा साइन इनवर्स, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, फिर ही कैंसिल होंगे, अगर आपके याद नहीं है तो कोस में याद करो यहां पर क्या होता है आधार बटे करण, आधार बटे करण एक्स है इसके बटा कितना मान सकते हैं वन, आधार बटे करण पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आधार की वैल्यू कितनी है एक्स, करण की वैल्यू वन, लंब की वैल्यू निकालोगे तो यहां पर करण स्केयर माइनस आधार स्केयर, तो क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स स्केयर, तो साइन में लंब बटे करण, ठीक है रूट में आएगा ये, तो लंब बटे करण, लंब की वैल्यू कितनी है रूट वन माइनस एक्स स्केयर अपॉन में वन, ये अगर आपके डायरेक्ट वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं तो ये तरीका तो है ही हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय, ये नाइन्थ टेंथ क्लास से अगर तैयार है, देखो आगे, तो y इक्वल साइन साइन इनवर्स x, x हो गया तो यहां से क्या आ गया रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ गया रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आप क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन dy ओवर dx, d ओवर dx रूट वन माइनस एक्स के, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ये सारा क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने आइडेंटिटीज, ये सीधी याद रखो कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो आगे, तो इसमें क्या हो जाएगा भी dy ओवर dx, पहले ये पता होना चाहिए d ओवर dx रूट एक्स ताया था, इसका अवकलन क्या था वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन
टू रूट एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में वन अपॉन टू रूट एक्स की वैल्यू वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स रूट एक्स का हुआ है तो वापिस यहां पर किसका करेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन का करेंगे यहां पर जीरो अचर पद है, माइनस एक्स की पावर एन का क्या होता है डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो जीरो माइनस यहां पर एन की वैल्यू कितनी है टू एक्स की पावर टू माइनस वन, तो वन अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स, टू से टू कैंसल तो माइनस एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंट बता देता हूं इसमें, ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, चलो कर ही लेते हैं इसको। क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोट इनवर्स, कोट इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सॉल्यूशन, माना वाई इक्वल्स टू कोट इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वैल्यू पुट करनी है इसमें, किस प्रकार की वैल्यू पुट करनी है कि यहां पर ब्रैकेट में हमारे पास कोट वगैरह आ जाए या कैंसिल हो जाए। तो देखो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, माना x इक्वल क्या रख लेते हैं tan थीटा रख लेते हैं, x इक्वल tan थीटा रखने पर क्या रख लिया स्टूडेंट्स हमने यहां पर tan थीटा, तो y इक्वल यहां से हमारे पास आ गया इसमें कोट इनवर्स रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा, सरल समीकरण याद होगी आपके वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो वाई इक्वल कोट इनवर्स रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, sec स्क्वायर थीटा रूट में है रूट से बाहर क्या आ जाएगा sec थीटा, तो कोट इनवर्स sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा, sec और tan की वैल्यू रख दो यहां पे, तो y इक्वल कोट इनवर्स वन अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। एलसीएम लेंगे यहां से तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, वाई इक्वल कोट इनवर्स कोस थीटा एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा यहां पर वन प्लस साइन थीटा, ऊपर क्या आ गया यहां पर हमारे पास वन प्लस साइन थीटा, तो यहां से इसको लिख सकते हैं वाई इक्वल कोट इनवर्स वन प्लस कोस पाई बाई टू माइनस थीटा, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, इसको क्या लिख लिया साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। अब यहां पर वन प्लस कोस थीटा बन रहा है, वन प्लस कोस थीटा, और वन प्लस कोस थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, वन प्लस कोस थीटा टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू यही होता है यहां पर, तो क्या आ जाएगा कोट इनवर्स, ठीक है जी, कोट इनवर्स टू कोस स्क्वायर
थीटा बाई टू, थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई टू माइनस थीटा अपॉन में टू। इसको सोल्व कर लेंगे आगे फिर हम, ठीक है जी। तो यहां इसको क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू यानी पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, यहां क्या लिख लेंगे पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। समझ गए, पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू होना था, इसमें टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, यहां इसको क्या लिख सकते हैं पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। अब बात है इसकी, साइन थीटा है, साइन थीटा, तो साइन टू थीटा का आइडेंटिटी में बदलेंगे इसको, क्या होता है टू साइन थीटा कोस थीटा, क्या होता है टू साइन थीटा कोस थीटा, तो टू साइन थीटा, ठीक है। यहां पर हमारे पास इस प्रकार से टू, तो यहां भी टू आ जाएगा, यहां भी टू, क्योंकि साइन थीटा है यह, समझ गए ये। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा टू साइन थीटा बाई टू है तो पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू कोस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू कोस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। टू कोस स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, कोस स्क्वायर है एक पावर इससे कैंसल, तो टू से टू कैंसल, तो क्या रह गया हमारे पास वाई इक्वल कोट इनवर्स कोस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू अपॉन में साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। क्यों किया, क्योंकि कोस बटे साइन हमारे पास क्या होता है कोट, कोट इनवर्स कोट कैंसिल हुए। यहां से ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करो, कैसे बनाइए, वन प्लस कोस थीटा था थीटा बाई टू यानी पाई बाई टू माइनस थीटा अपॉन में टू, समझ गए ये चीज। यहां से आप एलसीएम लेते, अगर ऊपर से बात करें एलसीएम तो क्या था पाई माइनस टू थीटा अपॉन में, यहां पर क्या है टू, ये टू नीचे आएगा तो पाई माइनस टू थीटा अपॉन में फोर, तो यहां से पाई बाई फोर माइनस टू थीटा बाई फोर तो टू बाई टू, यहां से ये पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू जो मैंने यहां पर सीधे लिख दी, समझ गए ये चीज। आगे देखो यहां पर हमारे पास अब क्या आ गया इसमें वाई इक्वल कोट इनवर्स कोस अपॉन में साइन कोट कोट पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, कोट इनवर्स कोट एक्स एक्स तो वाई इक्वल पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। वैल्यू रखते हैं थीटा की, तो यहां पर एक्स इक्वल हमने क्या पुट किया था टेन टेन थीटा ही किया था, तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। वैल्यू रख देते हैं थीटा का, मान रखने पर तो y इक्वल पाई बाई फोर माइनस टेन इनवर्स x अपॉन में टू, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने तो dy ओवर dx, d ओवर dx पाई बाई फोर माइनस d ओवर dx टेन इनवर्स x अपॉन में टू। यहां पर ये